हेलो गाइस, वेलकम टू आर न्यू ब्लॉग। गाइस मैं महसूस अपने लिए कौन नए ब्लॉग के साथ। तो गाइस हम आज हमारा नेक्स्ट डे। तो गाइस अभी तो गाइस अभी हम आए हुए हैं पैंगोंग आए हुए हैं गाइस। तो गाइस यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा ठंड है गाइस। यहाँ पीछे आपको टेंट दिख ही रहे होंगे गाइस। यहाँ पे हमारा भी टेंट है। तो गाइस यहाँ पे ठंड मेन रीज़न ये है गाइस, यहाँ पे ठंड इसलिए क्योंकि गाइस यहाँ पे सामने नदी है बहुत ही बड़ी, उस वजह से काफ़ी ज़्यादा ठंड यहाँ पे हो जाती है, नाइट को तो काफ़ी ज़्यादा हो जाती है। तो गाइस अभी हम जाने वाले हैं नीचे जहाँ पे रिवर है। तो गाइस वो काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है, तो गाइस वहाँ जाके देखते हैं। गाइस हम फाइनली गाड़ी से नीचे जा रहे हैं क्योंकि गाइस नीचे और थोड़ा सा दूर भी है, इसलिए गाइस पैदल जा नहीं सकते हैं, इसलिए गाइस अभी हम नीचे जा रहे हैं। और गाइस देखो वहाँ पे नीचे जाना है हमें, और ये है मामा जी। हेलो, तो गाइस चलते हैं नीचे और वहाँ पे जाना है हमें, तो गाइस चलते हैं। तो गाइस अभी हम लेक के पास आ चुके हैं और गाइस यहाँ पे सारे लोग सब उतर रहे हैं। तो गाइज अभी हम जाएंगे लेक के पास क्योंकि गाइज वहाँ पे एक तो पहली बात भाई वहाँ पे स्कूटर है जो गाइज काफ़ी ज़्यादा फेमस हुआ था 3 Idiots की मूवी के बाद। और गाइज ये काफ़ी ज़्यादा मस्त जगह है। और देखो गाइज वहाँ पे सीट्स भी है 3 Idiots वाली, मामा वहाँ पे 3 Idiots वाली है ना, 3 Idiots वाली वो भी है। तो गाइज चलते हैं, चलो। ये 3 Idiots वाली सीट्स और ये स्कूटर चला सकते हैं क्या ये? तो गाइस अभी हम जा रहे हैं नीचे और गाइस इतनी मस्त जगह, तो गाइस वहां जाके हम फोटो खींचेंगे और वीडियो बनाएंगे। तो गाइस चलते हैं, पर गाइस पता नहीं ये पता नहीं यार यहाँ पे ना काफी ज्यादा सांस फूलती है हाइट पे है ना। हाँ नीचे जा सकते हैं, मुझे लगा बिल्कुल स्लांट है। आवाज़ें सुन रहे हो गाइस पानी की? ओह क्या बात है, ओहो आवाज़ें सुन रहे हो गाइस? ओह भाई कहाँ से आ रही है गाइस ये? मामा बहुत ही मस्त है, आओ ना। उधर जा रहे हो? आ जाओ। कितना ब्लू और पर्पल भाई, क्या पानी है और कितना साफ है गाइस, अंदर को सब दिख रहा है यहाँ पे तो। अरे यार इतना मस्त, हाय 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 हाय। हम देखो कितना पास आ चुके हैं है ना। अरे यार भाई वाह 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 वाह। अभी हम वापस यहाँ से जा रहे हैं, काफ़ी देर बैठ चुके हैं, आधा घंटा तो हो ही चुका है। गाइस यहाँ पे फोटोग्राफी भी हो चुकी है। अब गाइस हम जाएंगे ऊपर हमारे स्कूटर की तरफ और स्कूटर पे फोटो खींचेंगे और मैं आपको दिखाऊंगा कितना मस्त है, चलता भी है तो उड़ा के ले चलेंगे स्कूटर को, ठीक है? पत्थर का है वो रहा। तो ये रहा प्लवल, ये रहा मामा, गाइस चलते हैं। अभी हम यहाँ से निकल चुके हैं, अब गाइस अब हम पैंगोंग से जाएंगे एक रिवर पे। मामा रिवर का नाम क्या है? तो अच्छा तो वो अच्छा, अब रेंचो स्कूल जाएंगे। ओके तो गाइज अभी हम जाएंगे रेंचो स्कूल जहाँ पे 3 Idiots का जो स्कूल दिखाया था, जो कॉलेज था गाइज, वो अभी वो देखने जाएंगे। तो गाइज चलते हैं, ये बहुत सांस फूल रही है यहाँ पे। तो गाइज चलते हैं अभी। कितनी देर लगेगी अंकल वहाँ पे पहुँचने में? अच्छा गाइज काफ़ी ज़्यादा टाइम लगने वाला है, तो गाइज चलते हैं अभी। तो हम रास्ते में ही और गाइस यहाँ पे देखो ड्राइविंग चल रही है वत्सल की। ओहो ओए होए 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 वत्सल क्या बात है, ओहो लगता है फॉरेन की गाड़ी लेफ्ट में स्टीयरिंग है ना। वापस बताना पापा तो मस्त है तेरा।
अच्छा तेरा पापा स्टेनिंग के बाहर है। अच्छा और क्या सब्जेक्ट है? पापा ही है क्या? और हमारे पीछे वाला था गाइस, अभी फाइनली आ चुके हैं गाइस। अभी कितना टाइम क्या हुआ अभी यार, बहुत ज्यादा ही हो गया 16। हाँ तो गाइस अभी गाइस 4:32 हो चुके हैं गाइस, इतने लेट पहुँचे हम रेंचो स्कूल। तो गाइस यहाँ पे आपको मैं दिखाता हूँ वो रेंचो स्कूल जहाँ पे 3 इडियट्स की शूटिंग होती है गाइस, दिखाता हूँ मैं आपको, बहुत अच्छा है। कहाँ गई? पलट के देखो, ये काल ऊपर करके चल, बैठा नहीं ना, याद रखेंगे। चल आगे चलते हैं, रेंचोस कैफे। आ जाओ छोटे बच्चों, निकलो अब यहाँ से। वो क्या कर रहा है? आना, चलो 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 चले हम। फाइनली रेंचो स्कूल से बाहर आ चुके हैं, जैसे कि मैंने आपको दिखाया था यह शानदार था गाइस, जैसे मैंने आपको दिखाया है। और गाइस अभी हम जा रहे हैं होटल वापस, तो गाइस अभी तुम्हें एक ब्लॉग यहीं एंड करता हूँ गाइस, हम सब काफ़ी ज़्यादा थक गए हैं। तो इसलिए ये देखो की बार करेगा, तो फिर अभी इस ब्लॉग को मैं ऐड कर दूँ एंड मैं इस ब्लॉग को ऐड करता हूँ गाइस। आई होप आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा, तो गाइस आपको थोड़ा सा ब्लॉग अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना, अगला ब्लॉग जरूर आएगा, तकलीफ आएगा।